सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के घर में कई तरह के धार्मिक ग्रंथ और पुराण रखे होते हैं। कई लोग इन पुराणों की पूजा करते हैं तो कई लोग इनको पढ़ते हैं। हिंदू धर्म में ग्रंथों और पुराणों को घर में रखना शुभ माना जाता है। हर घर में रामायण भगवद गीता मिल जाती है। कुछ घरों में शिव पुराण भी रखी होती है। अगर आपके घर में भी शिव पुराण रखी है तो पहले आइए जानते हैं कि क्या घर में शिव पुराण रखना चाहिए या नहीं। शास्त्रों के अनुसार घर में कोई ग्रंथ हम रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है उस ग्रंथ या पुराण की रोजाना पूजा की जाए या फिर उस ग्रंथ या पुराण को रोजाना पढ़ा जाए। अगर आप घर में ग्रंथ या पुराण रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रोज उसका पाठ करें या फिर उसकी पूजा करें। अगर आप शिव पुराण का पाठ रोज कर सकते हैं तो इसे अपने घर में रख सकते हैं। शिव पुराण को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। शिव पुराण को हमेशा सफेद कपड़े में लपेट कर रखें। इस ग्रंथ को मंदिर में रखें या फिर घर के ऐसे स्थान में रखें जहां स्वच्छता रहती हो। गंदगी वाले स्थान पर कभी भी शिव पुराण को नहीं रखना चाहिए। घर में शिव पुराण रखने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव की नियमित पूजा आपके घर में होनी चाहिए। शिवलिंग पर हर दिन जल चढ़ाना चाहिए और आखिर में शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही धार्मिक वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।